नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार। फिर से एक वीडियो में आप लोगों को एक ये पेपर ब्लॉक बिछाने का तरीका दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए कितने तरीके से, पहले तो क्या किया है मिस्त्री ने, लाइन डोरी को ये देखिए कितना सीधा दिख रहा होगा आपको यहाँ से, है ना। ये देखिए, ये देखिए कितनी सीधी लाइन बनाई हुई है मिस्त्री जी ने। अच्छा काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं ये लोग। ये देखिए, अगर तरीके से बिछा दिया जाए पेपर ब्लॉक ना, आप अपने दरवाजे के ऊपर भी इसको बिछा सकते हैं, जो गली है वहाँ बिछा सकते हैं, ताकि बरसात के समय में स्लिप करने के वजह से जो लोगों का जो हड्डी टूटता है, पैर टूटता है, हाथ टूटता है, या बड़े बुजुर्ग का घर में नुकसान दिक्कत होता है, उनको चोट लगती है, तो ये सब चीज़ बिछाने के बाद, पेपर ब्लॉक बिछाने के बाद आपको वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी वाड़ी में कीचड़ और ये सब कुछ। तो अब इसका टाइम आया है दोस्तों, और इसको यूज़ करना चाहिए। आपको ढलाई नहीं करना है, इसको आप बिछा सकते हैं, फिर जब मर्जी हो तो उखाड़ के फिर दोबारा उसको बिछा सकते हैं, या कहीं और उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है, ये कैसेट की तरह काम करता है। ढलाई में क्या होता था कि एक बार आपने डाल दिया, उसके बाद आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ऊंचा नहीं कर सकते, थोड़ा स्लो डाउन नहीं कर सकते, अगर स्लोप पानी वानी का अगर मेंटेन करना हो तो इसके लिए। तो ये सब जो चीज़ है सर, उसके वजह से पेवर ब्लॉक और अदर जो प्रीकास्ट मटेरियल है उसका अभी टाइम है। ये अभी टाइम इस तरीके का है कि आपको इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट इसलिए अप्रिशिएट कर रही है कि गवर्नमेंट को भी पहले जो प्रोजेक्ट या रोड या गली या पंचायत का जो तैयार करने में टाइम लगता था, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन ढलाई के कारण जो रोड डिस्टर्ब हुआ करता था, वो अब रातों रात रोड बन के तैयार हो जाता है पेवर ब्लॉक यूज करने से। दूसरी बात क्या कि जब कभी उस रोड में मेंटेनेंस आना है, तो पहले क्या होता था, पूरा ढलाई टूट के बर्बाद हो जाता था, और दोबारा से उस रोड को बरसों तक तो बनता ही नहीं था, और जब भी बनता था तो उसको बनाने के लिए फिर से ढलाई और फिर से 10 दिनों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब कुछ डिस्टर्ब करना पड़ता था। अब क्या है, प्रीकास्ट मटेरियल आने के बाद, जो ये पेपर ब्लॉक और अदर मटेरियल है, ये सब आने के बाद क्या है कि अब रातों रात रोड तैयार हो जाता है। अगर मेंटेनेंस कहीं पर आया रोड में, तो वो मेंटेनेंस पर्टिकुलर उस जगह पर, जिस जगह पर वो टूट गया है उसी जगह पर चाहिए होता है, वहाँ का पेपर ब्लॉक निकाल के और दूसरा नया डाल दिया। तो ये एकदम मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट, मिनिमम इसमें काम हो जाता है, मिनिमम टाइम में और मिनिमम खर्च में। तो एक ये चीज़ है पेपर ब्लॉक के यूज़ करने का एक कारण ये होता है। दूसरा चीज़, वाटर टेबल रिचार्ज होता है धरती का, ज़मीन के अंदर जो पानी बरसात का जो रिस्क जाता है ढलाई के कारण वो रुक जाता है, लेकिन पेपर ब्लॉक के बीच में गैप होता है, जेन टू जेन गैप होता है। देखिए, ये जेन टू जेन गैप पानी को अंदर जाने से नहीं रोकता है, वाटर टेबल रिचार्ज होता है। तो ये भी एक कारण है, आपके आसपास में आज भले ही पानी बहुत है तो हम आप बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पानी आने वाले टाइम में ज़मीन की तरह, गोल्ड की तरह एक एसेट बन जाएगा, जिसके ज़मीन के यहाँ पानी होगा नीचे, वो सर्वाइव कर पाएगा आने वाले टाइम में। पैसे की बात नहीं है, पानी इतना अप्रीशियस चीज़ है और उसको हम लोग वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक शिक्षित नागरिक होने के नाते हमको आपको भी पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो ग्रीन इनिशिएटिव है हर फील्ड में, चाहे वो मोटर में, ट्रांसपोर्ट में, बिल्डिंग मटेरियल में, अदर किसी भी एस्पेक्ट में, हर जगह पे पावर एनर्जी हर जगह पे, तो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको इनिशिएट करना चाहिए। बीइंग एन एंटरप्रेनर, बीइंग एन यूज़र, आपको उसको प्रमोट करना चाहिए, एटलीस्ट है ना, यूज़ करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो ये पेवर ब्लॉक भी उसी ग्रीन इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जो ढलाई और ये सब चीज़ को मतलब अवॉइड करने से, और पहले इसकी जगह पे ईंटों का प्रचलन था, खरंजाकरण के लिए ईंट बिछाया जाता था, उस ईंट के बनने में मिट्टी का जो ये था नुकसान था, जो सॉइल इरोजन है वो हो रहा था बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो रुका है। दूसरा जो कार्बन इमिशन होता था कोयला के जलने के वजह से, वो रुका है। तो ये इसलिए इसको ग्रीन इनिशिएटिव में माना जाता है पेवर ब्लॉक को भी, इसमें
सबसे कम कार्बन उत्सर्जन होता है इसके मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि ये बिजली के ऊपर चल रहा है तो बिजली बनाने में जो कार्बन इमिशन हुआ है बस वही हुआ है, और सीमेंट बनने में जो हुआ है वो इसके अपोजिट। अगर पहले वाले जो ट्रेडिशनल मेथड थे पेवर पेमेंट को तैयार करने के, उसमें और इसमें बहुत कम कार्बन इमिशन इसमें होता है उसके कंपैरिजन में। तो ये पेवर ब्लॉक इसलिए यूज़ करना चाहिए हर आदमी को, जो अपना जो जगह जहाँ पे मिट्टी है जो बरसात में गीला हो जाता है तो उसको पहले से पेवर ब्लॉक बिछा के आप इतना भी यूज़ कर सकते हैं। 1500 पेवर ब्लॉक भी कम जगहों के लिए काफ़ी है, और ये बहुत किफ़ायती भी पड़ता है, और ये एक एसेट है, आप इसको बरसों तक यूज़ कर सकते हैं और इसको दोबारा उखाड़ के ज़मीन के लेवल को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। इसलिए भी ये आपके लिए एक एसेट का काम करता है, और इसको आपको दरवाजे के आगे अपने एक्सटीरियर में, मैदान में, स्कूल में, रोड में, रोड के फ्लैंक में भी ये डाला जाता है, क्योंकि रोड के साइड में अगर गाड़ी बाहर चली गई तो उसके वजह से काफ़ी धूल और ये सब कुछ वातावरण के SPM को बढ़ाता था, जो सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल है, और उसके वजह से पॉल्यूशन फैलता है। तो ये पॉल्यूशन को भी रोकने में रोड के दोनों साइड में फ्लैंक में रिकमेंडेड है गवर्नमेंट की तरफ से कि हर एक रोड में आपको फ्लैंक बनाना ही है, और पेवर ब्लॉक का फ्लैंक बनेगा। तो इस लिहाज से भी बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें इंडस्ट्री से जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी, जो यूज़ करने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा चीज़ है, प्रॉफिटेबल चीज़ है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, बहुत अच्छी चीज़ है और इससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री में जो लोग आना चाहते हो या पेवर ब्लॉक या फ्लाई एस ब्रिक या AAC ब्लॉक इंडस्ट्री में, तो हम लोग यहाँ उनको सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं। हम आपको शुरू से और लास्ट तक, मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेके प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेके प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है तो इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत है, तो वहाँ से स्टार्ट करके जहाँ से आप स्क्रैच करते हैं प्रोजेक्ट को और एंड तक फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी तक, इवन मार्केट स्ट्रेटजी में भी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी हम लोग हमारे कस्टमर्स को सारी सुविधाएं एक छत के नीचे प्रदान करते हैं। तो एक बार इस इंडस्ट्री से जुड़ने वाले लोग, जुड़ने की इच्छा रखने वाले लोग हमसे ज़रूर मिलें, मैं आपको अच्छा सलाह दूंगा, अच्छी मशीनरी, अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा बिजनेस का जो एक्सपर्टाइजेशन है वो ये सब कुछ आपको दूंगा, जिससे कि आप के बिजनेस में फेलियर होने का चांस ना रहे, कम से कम रहे, ना रहे बल्कि हमारे साथ आप जुड़ेंगे और मैं आपको जैसा जैसा बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप फेलियर नहीं होंगे, ये गारंटी है हमारी। मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार इस वीडियो को भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को भी खूब लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार देंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।